अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट नुमान इंसारी, बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है बनने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोलचे मॉल को। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में जो है वो देखने को और सुनने को मिलेगी। इसकी करंट जो है, इसकी ऑन साइड लोकेशन एग्जैक्ट किस साइड पर है और इसमें जो है वो रेट क्या चल रहे हैं, प्री बुकिंग पे कितनी शॉप्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं और किस हद तक इसकी सेलिंग चल रही है। बिलाल भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि डोलचे मॉल की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो किस जगह पे है और इसकी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अच्छा नुमान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। तो दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने ये डोलचे मॉल का जिक्र किया है अभी, तो इसकी जो लोकेशन है इम्तियाज़, जो मेगा मॉल बहरिया टाउन कराची में ओपन हुआ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है और मैं उस टाइम इसी लोकेशन पर मौजूद हूँ डोलचे मॉल की। आप देख सकते हैं कि ये इम्तियाज़ की बैक साइड पर जो है ना इम्तियाज़ की पार्किंग है और इसकी फ्रंट साइड पर जो है डोलचे मॉल की जो है ए क्यू बाज़ार की जो है ना वो लोकेशन है। और ये मेन गेट से अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 1 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। बिल्कुल मेन जना एवेन्यू को टच करता हुआ ये प्रोजेक्ट है और बहरिया के जो अपार्टमेंट है पीसेंट 19 वाले 2 बेड एंड 3 बेड, उनके बिल्कुल सामने हॉस्पिटल वाले रोड पर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो प्रॉपर एक मॉल बन रहे हैं यहाँ पर ना सारे। ये नहीं है कि आपको जो है वो जिस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट ओवरऑल बहरिया में मिल रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो है ए क्यू बाज़ार है वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके बाद डोमिनियन ग्रैंड मॉल है वो भी एक मॉल बन रहा है 30,000 स्क्वायर यार्ड पर प्रोजेक्ट, और ये डोलचे जो है ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भी एक मॉल बन रहा है। जी बिल्कुल। और दूसरा विवाद, यहाँ पर हम आपको ये खुशखबरी देते चलें कि डोलचे मॉल की बिफोर टाइम जो है वो सॉयल टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। इसकी ऑन साइड लोकेशन पर आके वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ आज का यही था, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत सी वीडियोस आपने यहाँ पे देखी होंगी। ये बिल्डर के बारे में थोड़ा सा आपको ये बताते चलें कि बिल्डर जो है इनका बहरिया टाउन कराची में पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले जो है ये दुबई में काम करके आए हैं और वहाँ से इनका फ्रंट एलिवेशन वगैरह इन्होंने रेडी करवाया और बहरिया टाउन कराची में अपना पहला प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट डोलचे मॉल है, इसके नीचे इन्होंने शॉपिंग मॉल दिया गया है जो कि अभी प्री बुकिंग उसकी चल रही है। आज ही आप उसमें शॉप जो है वो अपनी बुक करवा सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने ऊपर सिग्नेचर अपार्टमेंट दिए हैं जो कि अभी उसमें इन्होंने उसकी लॉन्चिंग स्टार्ट नहीं की, उसकी बुकिंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन उसके फ्रंट एलिवेशन वगैरह में वो सारी चीज़ें आप क्लियरली देख सकते हैं। और दूसरा बिलाल भाई, इनमें जो है शॉपिंग मॉल की बुकिंग जो है चल रही है, इसमें रेट क्या चल रहे हैं और उसमें तकरीबन आलमोस्ट किस साइज़ की शॉप जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, ये भी बता दें। अच्छा नुमान भाई, सबसे पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि ये जो प्लॉट है ना ये 3 साइड ओपन प्लॉट है जी। फ्रंट साइड पर भी इसके रोड है और बैक साइड पर भी रोड है और दूसरी तरफ भी जो रोड है, मतलब 3 साइड जो है ना ये प्लॉट ओपन प्लॉट है। और इसके जो रेट है इस टाइम लोअर ग्राउंड का जो रेट है वो 24,500 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है और जो अपर ग्राउंड है उसका 37,000 पर स्क्वायर फीट भी रेट है और फ्रंट की जो शॉप है कॉर्नर वगैरह की उसका 39,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। और उसके बाद जो है फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का जो है 20,500 रुपया जो है फ्रंट शॉप और कॉर्नर वगैरह की शॉप का रेट है। और इसी तरीके से जो है ना 18,000 रुपया जो है ना सेकंड फ्लोर का इसका रेट है, 18,500 रुपया पर स्क्वायर फीट। और फूड कोर्ट का जो रेट है इन्होंने निकाला है वो 30,000 निकाला है फूड कोर्ट का रेट फ्रंट शॉप का, और बैक साइड के जो शॉप है उनका कोई 25,000 रुपया जो है ना रेट है। थर्ड फ्लोर पे जो है ना इन्होंने फूड कोर्ट दिया है। तो इसमें जो है ना अवेलेबिलिटी हम ये कह सकते हैं कोई 60-70% जो है ना ये सोल्ड हो चुका है। कुछ ऑप्शन जो है ना इसमें मौजूद हैं अभी, तो इसमें जो है ना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस प्राइस में जो है ना आपको पूरी सिटी में कहीं भी किसी भी जगह मॉल में जो है यहाँ पर जो है ना शॉप मिल जाएगी।
यहाँ पर जो है कम से कम प्राइस में भी शॉप है, 40-50 लाख में भी आपको शॉप मिल जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक भी जो है ना आपको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की जो है ना शॉप मिल जाएगी। तो ये जो एरिया है ना, ये बहुत मैटर करते हैं ये चीज़ें, कि यहाँ पर जो जितना भी है इसको हम कमर्शियल हब, पहले मिडवे ए और बी को जो है ना हम लोग कमर्शियल हब कहते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर इस एरिया को कमर्शियल हब कहना कोई भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट है, ये ग्रैंड मॉल का मैंने जिक्र किया, उसके बाद ट्विन टावर, और उसके बाद एक्यू बाज़ार, और अब डोलचे, और इसके साथ ही जो है डोमिनियन फूड स्ट्रीट 2 आ रही है। ये सारी चीज़ें बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है पॉपुलेटेड एरिया जो है ना ये आपका समझा जाएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना कारोबार वगैरह यहाँ पर होंगे। और फिर जो है दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो प्रीसेंट 19 वाले अपार्टमेंट है वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ पर से, सेंटर में सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक रोड का जो है ना डिफरेंस है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी लोकेशन पर है ये, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो कोई 4-6 माह या साल 1.5 साल के लिए भी अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अच्छी इनकम यहाँ से जो है जनरेट कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, जैसा कि व्यूअर्स आपको बिलाल भाई ने सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत ही अच्छी और प्राइम लोकेशन पे बनने वाला ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी प्री बुकिंग पे चल रहा है। आज ही आप इसमें अपनी बुकिंग करवा के अपनी शॉप के जो है वो मालिक बन सकते हैं। बाकी इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है, नीचे स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।